तो आज हम चैप्टर 9 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो RSCIT के एग्जाम में आते रहते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, UIDAI का पूरा नाम क्या है। UIDAI का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में एपिक क्या है। तो एपिक क्या चीज है, वो है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो एपिक की फुल फॉर्म है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड से क्या आश्चर्य है। तो हम ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 12 अंक संख्या कार्ड, कि ये 12 डिजिट का नंबर कार्ड होता है। UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र की आईडी कार्ड है जो UIDAI द्वारा प्रसारित किया गया था। और हमारा तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों ही सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है 12 अंक का संख्या कार्ड होने के साथ साथ में इसे जारी किया गया था UIDAI द्वारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए एंड बी, बोथ आर करेक्ट आंसर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है। तो IRCTC SMS सर्विस 139 नंबर पर उपलब्ध है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया था। तो कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया था, वो है UIDAI। तो UIDAI द्वारा आधार कार्ड को जारी किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है। तो हम इसके फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो पैन कार्ड को जब आप अप्लाई करते हो तो आप कौन से फॉर्म को जरूरी भरते हो, वो है फॉर्म नंबर 49A। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, फॉर्म नंबर 49A। हमारा अगला क्वेश्चन है, TDS के लिए पूरा नाम क्या है। तो TDS का पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जब आपने सोर्स से लिया है कुछ प्रोडक्ट तब आपका कितना टैक्स डिडक्ट हो चुका है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या होता है। तो पासपोर्ट का आवेदन जब आप करते हो तो PSK का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है। तो PNR का फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जिसके माध्यम से आप रिजर्वेशन चेक कर सकते हो, रिजर्वेशन की डिटेल चेक कर सकते हो और जितने भी आपके टिकट करवा रखे हैं उन सारों के बारे में रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको वहां पर रिप्लाई करेंगे। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।